स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय हिंदी। अभी तक हमने कुल 4 पाठ पढ़े, अब हम पुनरावर्तन पढ़ने जा रहे हैं। पुनरावर्तन हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। आपके पास भी बुक होगी, आप उसमें ध्यान दीजिए। मैं यहाँ से पढ़ूंगी, आप वहाँ देखिए। पहला प्रश्न है, सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं, तो ऊपर जे प्रश्न यानी कि जे शब्द आपेला छे एमांथी आपणे योग्य जे जवाब छे शोधवानो छे। तो हवे आपणे जवाब साथे बोलशुं। सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, रमेश को बुखार था इसलिए खाली जगह स्कूल नहीं गया। तो खाली जगह में शू आवशे, रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। मीना और जैमिनी खाली जगह जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे उसका जवाब हमें ढूंढना होगा। मीना और जैमिनी बाजार जा रहे थे। अगला प्रश्न, मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला, तो मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। अगला प्रश्न है, शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया, कहाँ ले गया? शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। आगे जो हमने सब पाठ और कहानियाँ पढ़ी है उसका ही प्रश्न हम अब पुनरावर्तन में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों का उत्तर लिखिए। वो जो उत्तर है हमें आगे जो पाठ दिखे उसमें से ढूंढना होता है। तो पहला प्रश्न है, आपने कौन कौन सी कहानियों का पठन किया है? पहला ही हमारा पाठ था कहानियाँ, जो चित्र पढ़कर हमें कहानी पढ़नी होती थी। तो हमने बुद्धिमान कौवा, कौवा और लोमड़ी, दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, ऐसे सब कहानियाँ पढ़ी है। दूसरा प्रश्न है, अपनी पढ़ी हुई कहानियों को अपने शब्दों में लिखिए। ये जवाब मैं आप पर छोड़ देती हूँ, यानी कि आज प्रश्न का जवाब छे तमारे तमारी रीते बुक नी अंदर लखवानो छे। तीसरा प्रश्न, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो के शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया और हिरनी की जान बच गई। चौथा प्रश्न, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो के प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम सभी राष्ट्रों में एकता की भावना रखें। पांचवा प्रश्न, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? तो के नन्ही बतख का स्वभाव हमेशा भलाई करना था। वो अपना अच्छा जो स्वभाव है वो कभी छोड़ती नहीं थी। इससे आगे तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो एमा शब्द छे च, क्ष, त, भ वगैरह, बराबर। तो आवा जे शब्द छे ई शब्दनो पहेलो अक्षर छे च, क्ष, त, भ आवा होवा जोईए। तो एमा पहेलो शब्द छे च, तो च कहेता आपणे कोई पण शब्द लईए चमेली, तो उसका अब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। चमेली का फूल खूबसूरत होता है, ऐसे कोई भी शब्द लीजिए, लेकिन जो पहला शब्द है, पहला वर्ण है वो क्या आना होता आएगा? तो के च आएगा। उसके आगे है क्ष, यानी कि क्षत्रिय, तो के क्षत्रिय बड़े वीर होते हैं। क्षमा, आगे उसका ही शब्द लीजिए, क्षमा वीरों का भूषण होता है। त्यार बाद आता है त, तो यानी कि आपणे त नाम थी जे कोई पण शब्द चालू થતો હોય એનો આપણે અહીંયા વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। તો પહેલો શબ્દ આપણે જે ફ્રૂટ છે એનો લઈએ, તો કે તરબૂચ, તો કે તરબૂચ બડા મીઠા હોતા હે। इसके आगे તો કે તસવીર, ये ऐतिहासिक स्थानों की तस्वीर है, यानी कि जो शब्द है उसका हमें वाक्यों में भी प्रयोग करना होता है। इसके आगे का शब्द है भ, भ कहता भवन, भजन, भक्त, भक्षक। तो भवन, भवन शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो के यह शाला का नया भवन है, भवन कहता मकान। भजन, तो के गांधी जी रोज भजन करते थे, ऐसे हम सारे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। इससे आगे अब हम देखेंगे, अगला प्रश्न है, समान प्रास वाले 3-3 शब्द बनाइए। यहाँ कुल 4 शब्द आपेला छे, तो के सामाजिक, मानवता, भलाई और घबराहट। तो हवे एवा ज प्रासयुक्त शब्द, जेम के सामाजिक छे तो एग्जांपल लईए प्रामाणिक, पाछळ जे प्रासयुक्त शब्द आवे छे एवा ज बीजा पाछा 4 આપણે શબ્દો ગોતવાના છે। તો એ હું તમને બોર્ડમાં લખી અને બતાવું છું। પહેલો શબ્દ છે
सामाजिक। तो उसका प्रासयुक्त शब्द हम देखेंगे प्रामाणिक, अगला है सांसारिक, उससे आगे पारिवारिक। दूसरा जो शब्द है मानवता, इसका प्रासयुक्त शब्द हम देखेंगे तो है दानवता, अगला है सज्जनता, उससे आगे स्वतंत्रता। तो पीछे जो प्रास मिलता है उसे हम कहते हैं प्रासयुक्त शब्द। तीसरा है भलाई, तो उसका प्रास मिलाएंगे तो हम उसका होगा बुराई, हवाई और जुदाई। पीछे जो ई शब्द आता है वो भलाई शब्द का प्रास मिल गया। चौथा शब्द है घबराहट, तो इसका प्रासयुक्त खटखटाहट, पीछे जो हट हटाएगा वो उसका प्रास मिलता है सरसरा हट। इससे आगे प्रासयुक्त शब्द आएगा सरसरा हट के आगे आएगा कड़वाहट। अगला जो प्रश्न है चौथा प्रश्न के निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है स्वच्छ, उसका विरोधी होगा अस्वच्छ। तो अब हम उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। यह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है, यानी कि स्वच्छ है। उसका अर्थ क्या है? अस्वच्छ नहीं है यानी कि वो स्वच्छ है। देश, देश का विलोम शब्द होगा विदेश। तो वाक्य में प्रयोग हम करेंगे पिताजी विदेश गए हुए हैं, हम कल विदेश जाएंगे। ऐसे जो वाक्य है हम बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न यानी कि शब्द है प्रिय, प्रिय का विलोम यानी कि विरोधी शब्द होगा अप्रिय। वाक्य में प्रयोग करेंगे बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देता है, मुझे वो व्यक्ति अप्रिय लगता है। ऐसे जो वाक्य है हम कहीं भी बना सकते हैं। चौथा जो शब्द है अधिक, अधिक का विरोधी होगा कम। अधिक एटले के वधारे और कम एटले के ओछू। तो अधिक यानी कि विलोम यानी हिंदी में शब्द होगा कम। वाक्य में प्रयोग करेंगे चाय में शक्कर कम है, मैं कम चाय लेता हूँ, मैं रोज दूध कम पीता हूँ। ऐसे कोई भी वाक्य हम हमारे जो रूटीन कार्य में लेते हैं वो हम यहाँ बना सकते हैं। पांचवा जो प्रश्न है समानार्थी विलोम शब्द, उसका हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया। अब आएगा समानार्थी शब्द यानी कि उसके ही जैसा एक और शब्द। पहला जो शब्द है सूर्य, सूर्य का समानार्थी रवि, भानुकर, दिनकर वगैरह वगैरह। तो उसका भी हम वाक्य में प्रयोग करेंगे दिन में हमें रवि प्रकाश देता है, दिन में हमें भानुकर दिखाई देता है। बराबर, ऐसे कोई भी वाक्य हम बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न है भूमि, भूमि के ता जमीन, यहाँ की जमीन उपजाऊ है, मुझे ये जमीन बहुत पसंद आई। ऐसे कोई भी वाक्य हम यहाँ बना सकते हैं। अगला जो शब्द है प्राण, प्राण के ता जान, तो कि दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई। ऐसे भी हम कह सकते हैं और वैसे भी हम कह सकते हैं कि मेरे पिताजी को देखकर मेरी जान में जान आ गई। तो जो जान शब्द है वो हमारे वाक्य के प्रयोग में आ गया। अगला जो शब्द है सहसा, सहसा यानी अचानक, गुजराती में कहिए आपने एकाएक, कि उसका भी हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई, चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई। वैसे कोई भी वाक्य हम इस वाक्य के प्रयोग में बना सकते हैं। जय स्वामी नारायण।